पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने शासन द्वारा भले ही अनेकों तरकीब अपनाई जा रही है, लेकिन कुछ फैक्ट्री संचालक अपने फायदे के लिए पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ हाल सिरगिट्टी के चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री का है, जहां कंपनी से निकलने वाले स्क्रैप और खराब मटेरियल को सड़क के बीचों बीच डंप किया जाता है और फिर रात के अंधेरे में संचालक द्वारा इसे जला दिया जाता है, जो पर्यावरण के लिए प्रदूषण का कारण बना हुआ है। ऐसे में पर्यावरण ही नहीं बल्कि आसपास के बस्ती में रहने वाले लोगों को भी इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर पर्यावरण विभाग का कहना है कि इस कंपनी में कई बार शिकायत आ चुकी है, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा कर रहे हैं तो गंभीर अपराध है, उनको तो फेंकना मना है, है ना। जैसे राख हो गई, राख भी बाहर डाल देते हैं। हमने इस परिप्रेक्ष्य में 3-4 इकाइयों पे कार्रवाई भी की है। अधिकारियों की माने तो इनका कहना है कि एक सप्ताह के अंदर कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी। जलाना तो एक वैसे ही दंडनीय अपराध है, लेकिन वो कोई सॉलिड वेस्ट के रूप में नहीं है। अगर प्लास्टिक की कतरन जला रहे हैं या अन्य अपशिष्ट जला रहे हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई जरूर करूंगा। अब देखना यह होगा कि पर्यावरण विभाग इस प्लास्टिक कंपनी और चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री पर कब तक कार्रवाई करेगी, जिससे इन संचालकों की मनमानी पर अंकुश लग सके। कैमरा पर्सन सतीश बाटवे के साथ मनोज पाल, सिटी न्यूज, बिलासपुर।